नमस्कार, आप सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के समस्त छात्र छात्राएं और जो भी कॉलेज के छात्र हैं, वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि अब आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भरा जा रहा है और साथ ही साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने एक और स्कॉलरशिप की व्यवस्था आपके लिए की है, मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप 2023-24। सूचना DSW के ऑफिस से जारी हुई है। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, इसमें हम बताएंगे किन के लिए सूचना है, किनको फॉर्म भरना है, किनको फॉर्म नहीं भरना है और कैसे क्या करें, कॉलेज वालों को भरना है कि कैंपस वालों को भरना है, कहाँ भरना है, क्या क्या लगेगा, क्या सूचना है। हड़बड़ी जल्दबाजी मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। बाकी नहीं समझ में आएगा तो उसकी कोई भी गारंटी मेरी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के DSW ऑफिस से सूचना ये जारी हुई है कि ऑल अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLB एंड प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी कि ये सभी छात्र जो स्नातक, परास्नातक, LLB के और प्रोफेशनल कोर्स के हैं, यानी कि BA, BSc, BCom, BA, LLB, इसके साथ साथ MA, MSc, MCom, प्रोफेशनल कोर्स, LLB, ये सभी कोर्स के विद्यार्थी बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वास्तविक छात्र, ये सभी अगर अपने पेपर में, एग्जाम में 60% से ज़्यादा मार्क अगर पाए हुए हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आप 2022-23 में जो विद्यार्थी इस समय सेकेंड ईयर में हैं, जो विद्यार्थी इस समय थर्ड ईयर में हैं, जो विद्यार्थी इस समय सेमेस्टर के एग्जाम, सेमेस्टर वालों का मुझे सीध नहीं पता है क्योंकि सेमेस्टर के हिसाब से नहीं मिलेगी शायद स्कॉलरशिप, ईयर वाइज देखा ही जाएगा, वो सूचना मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन मान लीजिए जो विद्यार्थी इस समय BA सेकेंड ईयर में हैं, वो जब फर्स्ट ईयर में 2022-23 की परीक्षा में अगर आप 60% से ऊपर पाए हुए हैं, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। सेकेंड डिवीजन वाले, थर्ड डिवीजन वाले बिल्कुल भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ये मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप है, यानी कि अगर आपका 60% से ऊपर है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको कौन भर सकता है, इसको जो भी स्नातक पर स्नातक के छात्र 2022-23 के सत्र में, जिनका चाहे वो सेकेंड ईयर में हो चाहे वो थर्ड ईयर में हो, ये सबके लिए सूचना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2022-23 में जो 60% के ऊपर पाए हुए हैं, चाहे आप अभी इस समय सेकेंड ईयर में होंगे, फिर आप अभी थर्ड ईयर में होंगे, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात यह है, इसका डेट क्या है, ये कहाँ जमा होगा, ये DSW ऑफिस में जमा होगा, यानी कि डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस में। सबसे बड़ा सवाल उठता है, कॉलेज वालों के लिए है कि कैंपस वालों के लिए है। सूचना DSW से जारी हुई है तो सिर्फ मेन कैंपस के भी सूचना है, कॉलेज वाले जब स्कॉलरशिप की सूचना निकालेंगे तो आप कॉलेज से संपर्क करिएगा। तो कॉलेज वाले बहुत इसमें दिमाग मत लगाइए, आप अपने कॉलेज से इसको संपर्क करिएगा, इससे कैंपस से कोई आपका मतलब नहीं है। सभी कैंपस के छात्र इस वीडियो को ध्यान से देखें, पहले कॉलेज का कुछ होगा तो हम आपसे बताएंगे, वो सूचना हम प्रेषित करेंगे। इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, इसका फॉर्म www.allahabaduniversity.ac.in पे फॉर्म मिल जाएगा, और फॉर्म हो सकता है हम आपको डाउनलोड करके दे देंगे कब, अभी आप जल्दबाजी बहुत बुद्धिजीवी आर्यभट्ट वरा मिहिर हैं, आज से ही परेशान हो जाएंगे, आज ही जैसे इनको पैसा मिल जा रहा है, ऐसा परेशान नहीं होना है। मंडे को, ट्यूजडे को एकदम भीड़ लगा लेंगे DSW के ऑफिस में, डेट लास्ट डेट 20 को है, भीड़ आप 2-3 दिन बाद ही लगा लेंगे। तो बहुत हड़बड़ी नहीं करना है, पढ़ना लिखना है, पैसे के पीछे बहुत भागना नहीं है। स्कॉलरशिप की डेट अभी 20 तक है तो बहुत परेशान नहीं होना है, सब सूचना आपको बताई जाएगी। फॉर्म आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिलेगा। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी जरूरी है। इसमें आपका जो मार्कशीट है, यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर में पहुंचे हैं तो फर्स्ट ईयर की आपकी मार्कशीट लगेगी, अगर आप थर्ड ईयर में पहुंचे हैं तो सेकेंड ईयर की आपकी मार्कशीट लगेगी, ये ध्यान दे दीजिए। सत्र 2022-23 की आपकी मार्कशीट लगेगी, आपका आई कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, मार्कशीट की फोटोकॉपी लगेगी, आपकी आई कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, आपकी फीस रसीद की फोटोकॉपी लगेगी, ये सारी चीज़ें उसमें लगनी है उस फॉर्म के साथ। इस आय प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है, बाकी वो DSW ऑफिस से, अभी मैं, मेरी कमेंट्री चल रही है तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, बाकी मैं सूचना आपको बात करके दे दूंगा, इतनी जानकारी आपको देनी है। फॉर्म भरने की आखिरी डेट 20 जनवरी 2024 है, पूरा फॉर्म भर के आप DSW के ऑफिस में जमा कर देंगे। कॉलेज वाले अभी परेशान मत हो, एक सूचना कैंपस के लिए है, कॉलेज वाले बच्चे कॉलेज से अपने संपर्क करें, जब कॉलेज से कोई सूचना जारी होगी तो मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। इतनी चीज़ें हैं। सेकेंड डिवीजन वाले बहुत परेशान मत हुई, आपको नहीं मिलेगा, थर्ड डिवीजन वालों को भी नहीं मिलेगा, 60% से ऊपर वाले सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। अब 59.9 है तब भी आपको नहीं मिलेगा, 60% यानी कि फर्स्ट डिवीजन आपका होना चाहिए, चाहे आपका 80 हो, चाहे आपका 61 हो, चाहे आपका 60.1 हो, आपको फर्स्ट डिवीजन अगर 60% है
और सत्र 2022-23 में आपने अगर इसको इसके पहले नहीं 21 वाले सत्र में नहीं 22-23 लिखा गया है तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये है अभी इस पर आप लोग काम करते थे, अभी तो 2 दिन का छुट्टी भी है, इसके बाद हम जो है इसको आपको बताएंगे, मंडे को पूरी सूचना देंगे, बाकी संडे तक भी आपको पूरी सूचना हम दे देंगे। बाकी ये सूचना थी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।